बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम असलकुम वीवर्स कैसे हैं आप सब उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे मौसम है कैरी का इस मौसम में हम कैरी की चटनी ना बनाएं ये हो नहीं सकता है हमारे पास एक कैरी है ये कुछ मिनट लीव्स है पुदीना है ये हरी मिर्चें हैं ये धनिया है और ये है हरी धनिया के दाने ये ग्रीन ग्रीन है वैसे तो आपने सूखा धनिया देखा ही होगा लेकिन ये धनिया जो है ये देखें ये ग्रीन धनिया है ये अभी सूखा नहीं है तो ये हमारे अपने गार्डन का है कुछ हम ये डालेंगे कोई आपकी अपनी मर्ज़ी है कौन सी चीज़ आपने कितनी डालनी है ठीक है और ये है एक टेबल स्पून हमारे पास है नमक और एक टेबल स्पून ही हमारे पास है ज़ीरा जो इसको बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट देगा तो चलें स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम डालेंगे कई ये हमने काट लिए हैं ये बहुत हरी नहीं है क्योंकि थोड़ी सी ये पकी हुई है तो ये बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं होगी बिल्कुल मीडियम खटाई होगी इसके अंदर और इसको पहले ग्रैंड करेंगे जीरा ये डाल दिया अब इसे हम ग्रैंड करके आपसे मिलते हैं इसलिए मैं ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है तो हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा पानी और साथ ही हम डाल देंगे ये हमारे पास हरी मिर्चें हैं ये बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है तो ये हमने ज़रा ज़्यादा ली है ऐसे ही डालने अगर आप काट के डालना चाहें तो काट के डाल लें मिक्सर में जो है ये सारी मिक्स हो जाती है ये देखें मिर्ची और कैरी का पेस्ट हो गया है तैयार दाने भी डालेंगे धनिया के ये धनिया के पत्ते भी डालेंगे और यहाँ ये सारा भी डालेंगे ये देखिए सारी चीज़ें हमने डाल दी अब इसको अच्छे तरीके से हम इसका पेस्ट बनाते हैं और ये देखिए बीवर्स कैरी और पुदीने की बहुत मज़ेदार चटनी हो गई है बिल्कुल तैयार अब हम इसे डिश आउट करते हैं बिसमान कैरी साल में एक दफा ही आती है और इसका भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए इसको बना के फ्रीज़ करें और पूरा साल इसका आनंद उठाएं। इस चटनी को आप चावल के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं ये इतनी मज़े की है कि इस चटनी के साथ सालन की ज़रूरत ही नहीं है ये देखें ये हमने बहुत बारीक पेस्ट बनाया है कैरी की चटनी का लेकिन ये वाला जो है ये बहुत बारीक नहीं है गाढ़ा नहीं है और इसमें ये देखें इसमें ये चंक नज़र आ रहे हैं जो कैरी के चंक्स हैं वो इसमें नज़र आ रहे हैं ये उसको ये बहुत अच्छा जब खाएंगे तो ये मुंह में आएगा और इसे आप ये करेंगे इसे आप ट्रे में डाल लें और इसे आप छः महीने साल के लिए महफूज कर लें और इस तरह स्टोर करने से आप पूरे साल कैरी का लुत्फ उठा सकते हैं वे देखिए आप भी बनाएं दो तीन के जी लाएँ और उससे बनाएं और पूरा साल खाएं। और इसे हमने सर्व किया है राइस के साथ दाल हो चावल हो और कैरी की चटनी हो तो फिर हो मौजा ही मौजा आप भी मौज करें और बहुत मज़े की ये चटनी बनाएं और गर्मियों की सौगात का लुत्फ उठाएं। अगली रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफ़िज